हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काटा बाज़ार। दोस्तों, काटा बाज़ार में आज एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ आप सभी को, एस टाइप लोड सेल का यूज। ये एस टाइप लोड सेल है, आप इसको समझ सकते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज पूरा इसका प्रॉपर। तो इस एस टाइप लोड सेल को यूज करेंगे हम आज यहाँ पे। ये देखिए, 2.5x3 का काटा है, मैकेनिकल एवरी का। इसको हम कन्वर्ट करके बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक। तो अभी इसका क्या प्रोसीजर है वो पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से हम इसको करेंगे और पूरा पूरा बताऊँगा। फ्रेंड्स, जैसे कि ये रहा इंडिकेटर और ये रहा इसका लोड सेल और ये हो गया इसका कनेक्शन रेडी। अभी यहाँ पर वेल्डिंग हो गया भाई। एक में हो गया कि नहीं? कहाँ? अच्छा, यहाँ पे। ओके, हाँ ठीक है। इस तरीके से इसके रॉड को छटका के यहाँ पे एक सेम साइज का जो लोड सेल में लगे ऐसा नट वेल्डिंग करना है। नट वेल्डिंग करने के बाद ये बाकी के सारे कनेक्शन यहाँ पे सेम रखने हैं, उसको कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। जो कि यहाँ पे ये जो सारे भी सारे के सारे सिस्टम है, बस वहाँ से क्या करना है, पोल में से राड को छटका लेना है। छटकाने के बाद इस तरीके से वापस से इसका कनेक्टर जो है उसको संभाल के रखना है। वापस से कनेक्ट करने के लिए इसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ से इसको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद ही मशीन रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसका कनेक्शन बांध देना है। दूसरा भी रेडी हो रहा है, तो मैं हो गया भाई। नहीं, लोड तो इसी के ऊपर आता है। तो फ्रेंड्स, अगर कभी भी ऐसा काटा आपको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक में बनाना है तो बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अभी हमने रेडी किया है। यहाँ नीचे से इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला क्या करना पड़ता है, इसके अंदर यहाँ से हमने लोड सेल लगा दिया है। वहाँ पे अंदर आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आपको लोड सेल दिख जाएगा। इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है और बना दिया है इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे आप इंडिकेटर में डायरेक्टली वेट देख सकते हैं। कंपनी के नाम पर हमने टेप मार दिया है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई इस कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, इसका नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अभी परफेक्ट तरीके से आपको वेट दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे हमने वेट रख दिया है और एकदम परफेक्ट वेट दिखा रहा है। यहाँ से हमने वायर इसका लोड सेल वायर निकाल लिया है और यहाँ पे परफेक्ट तरीके से वेट दिखा रहा है।